कल हमने हमारे स्टोरीज पे एक क्वेश्चन ये डाला था कि अगले बिजनेस वीडियो हम किस टॉपिक के लिए बनाएं, और हमने दो ऑप्शन दिया था और उसमें से ऑप्शन हमारे स्टूडेंट्स ने सेलेक्ट की थी जिम प्रॉफिटेबिलिटी। और जिम प्रॉफिटेबिलिटी एक अच्छा टॉपिक है क्योंकि ज्यादातर लोग जब जिम बिजनेस में घुसते हैं वो या तो पैशन से घुसते हैं या इंटरेस्ट के वजह से घुसते हैं, लेकिन काफी टाइम्स वो सारे बिजनेस एस्पेक्ट को उन्होंने प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया है, तो उनको एक्चुअली ये मालूम नहीं कि लॉन्ग टर्म वो क्या इस मॉडल को सस्टेनेबल बना पाएंगे और क्या वो उससे इतना प्रॉफिट निकाल पाएंगे कि वो कंफर्टेबल जिंदगी जी पाए, और शायद अगर एक्सपैंड करना चाहते हैं तो और आगे भी एक्सपैंड कर सके। तो आज ये टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हम मिस्टर पंकज सूरी के साथ बैठे हुए हैं जो फ्लूइड फिटनेस के ओनर और फाउंडर है। अगर आप दिल्ली एरिया से हो तो आपने फ्लूइड फिटनेस की जिम जरूर देखा होगा, ये दिल्ली का सबसे बड़ा जिम चेन है। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आज प्लीज हमें कुछ टिप्स बताइए और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए कि क्या हमें दिमाग में याद रखना चाहिए जब हम जिम के बिजनेस को एंटर करना चाहते हैं, इसके प्रॉफिटेबिलिटी को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, ये हमें प्लीज बताइए। Hi Tejas, thank you for having me. जिम प्रॉफिटेबिलिटी में लेट्स स्टार्ट विद कि जिम में जो एंट्री है वो एंट्री का सही टाइम क्या होना चाहिए. तो माय फर्स्ट सजेशन इज कि डोंट रश टू एंटर द बिजनेस ऑफ फिटनेस. तो आपको पहले इस फिटनेस इंडस्ट्री का थोड़ा सा एक तरीके से पहले अपना इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि कैसे करना है, आपको इस फिटनेस में कितना पैशन है और इसको आपको करियर की तरह देखना स्टार्ट करना चाहिए. और आपको ये समझना चाहिए कि आप कितने टाइम के लिए फिटनेस के लिए इंटरेस्टेड हो, फिटनेस बिजनेस में आने के लिए. तो सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से ये एडवाइस है कि आप फिटनेस इंडस्ट्री को रश मत कीजिए, इसमें सेटअप करने के लिए बहुत जल्दबाजी मत कीजिए. पहले अंडरस्टैंड कीजिए कि आपका इंटरेस्ट लेवल कितना है इस इंडस्ट्री में. तो ये सर आपने काफी अच्छा पॉइंट बोला कि अगर हम फिटनेस इंडस्ट्री में लंबे टाइम तक रहना चाहते हैं तो इसके लिए एक पैशन होना, एक इंटरेस्ट होना जरूरी है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, हम कैसे समझ सकते हैं कि क्या हम इसमें घुसने के लिए तैयार है या नहीं? हाँ, तो मेरे कहने का बस ये मतलब है कि आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये रखना है कि आपको इस इंडस्ट्री में जब एंटर करना है तो एंटर करने से जो आपका पहला स्टेप है वो पैशन से स्टार्ट होगा. क्योंकि मोस्टली हमने लोग देखे हैं जो कि फिटनेस इंडस्ट्री में इसलिए एंटर करते हैं क्योंकि पैशनेट है, उनको बहुत मजा आता है फिटनेस लाइन में और वो फिटनेस से किसी ना किसी तरीके से जुड़ना चाहते हैं. तो अगर आप फिटनेस में जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जैसे कि सप्लीमेंट लाइन हो गया या मर्चेंडाइज हो गया या कॉम्पिटिशन हो गया या जिम ओनर्स भी हो गए, तो ये सारे लोग वो लोग हैं जो मोस्टली फिटनेस इंडस्ट्री में पैशन की वजह से आए थे और अपने फिटनेस को उन्होंने पहले प्रायोरिटी किया था और धीरे धीरे उन्हें ये लगने लगा कि हमें इसको अपना करियर भी बनाना है. तो फर्स्ट जो पॉइंट आ जाता है इसमें वो यही आ जाता है कि आपका जो पैशन है आपको उसको पहले एक्सप्लोर करना है. तो आप एक फिटनेस एंथुजियास्ट हो फर्स्ट, और आपने इसमें एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है और आपने ये जाना है कि आपको अब इसको करियर बनाने का आपको जरूरत फील हो रहा है कि आपको जो आपका पूरा लॉन्ग टर्म में जो आपका बिजनेस प्रॉस्पेक्ट है या करियर है वो फिटनेस के इन एंड अराउंड ही रखना है. तो अब आपको ये इंडस्ट्री बहुत ही लुक्रेटिव लग रही है और आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन देने वाली है. ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि काफी लोग जो जिम्स खोलने आते हैं वो पहले 3 या 4 महीने में डिसाइड कर लेते हैं कि उनके लिए उनको फिटनेस में इंटरेस्ट है, जबकि क्या होता है कि जिन्होंने लंबे टाइम से ट्रेन किया है उनको भी मालूम है कि ट्रेनिंग सिर्फ पहले 2 या 3 साल के बाद हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद आपको इंडस्ट्री में सारे प्रॉब्लम दिखने लग जाते हैं। तो एक तरीके से अपना फिटनेस के लिए जो पैशन है वो भी समझना जरूरी है कि ये कितना है और क्या मैं लंबे टाइम तक इसको करना चाहता हूँ, और उसके लिए 2-3 साल फिटनेस में इन्वॉल्व रहना जरूरी होता है पहले। तो डायरेक्टली फिटनेस बिजनेस में आना मैं भी अग्री करता हूँ कि ये गलती है। अल्टीमेटली 2-3 साल अगर खुद भी वर्कआउट करोगे, खुद भी कोई कंपटीशन खेलोगे, कुछ करोगे, फिर आपको समझ आएगा कि आप एक्चुअली कितना इंटरेस्टेड हो। जैसे हमने बात किया है कि आपको अपना पैशन समझना जरूरी है, तो इसमें दो तरीके के एस्पेक्ट्स हैं. तो जब आप खुद कस्टमर होते हैं और आप फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, जैसे आप कहीं जिम ज्वाइन किया है और आप अपनी ट्रेनिंग करते हैं, तो वो एक एंगल हो गया. बट जैसे जैसे धीरे धीरे आपको अपना पैशन एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है और आपको लगता है कि आपको इसी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है, तो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी इस इंडस्ट्री को जज करना और एक्सप्लोर करना स्टार्ट करना चाहिए जो कि कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू है. तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू को आपको ऐसे समझना चाहिए कि अगर आप इस फिटनेस इंडस्ट्री में एज अ करियर एज अ बिजनेस ओनर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है या जो कस्टमर की डिमांड है या जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस है वो आप कैसे मीट करेंगे जब आप इस फिटनेस बिजनेस को अपना करियर बनाएंगे. तो हम्म,
तो जैसे ही आप जिम ज्वाइन करते हैं तो आप अपना एंगल तो स्टडी करते ही रहते हैं, और आप मास लेवल पे कस्टमर के भी एक बार रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कस्टमर किस एंगल से जिम के बिजनेस में एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और क्या चीजें हैं जो उनको सेटिस्फेक्शन देती हैं, और कैसे आप उनको लॉन्ग टर्म तक अपना कस्टमर बना के रख सकते हैं जब आप इस बिजनेस में एंटर करेंगे। तो एक सिंपल तरीके से देखा जाए तो कस्टमर को समझने के लिए आपको भी कस्टमर बनना पड़ेगा, एक तरीके से देखा हाँ, तो पहले आप कस्टमर बनेंगे और जाए। फिर आप कस्टमर बन के दूसरी सीट पे अपने आप को विजुअलाइज करेंगे कि अगर मैं जिम ओनर हूं तो मैं कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करूंगा, बीइंग फर्स्ट, बीइंग खुद एक कस्टमर, एंड देन आपके जो इन एंड अराउंड में लोग हैं उनको आप ऐसे सोचने की कोशिश करोगे कि ये मेरे कस्टमर्स हैं और अगर मैं जिम में होता तो मैं कैसे करके ये बैलेंस क्रिएट करता जिससे कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और जिम का प्रॉफिट दोनों मेंटेन हो सके। तो जब आपने समझा है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और कस्टमर का जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप लेना स्टार्ट कर चुके हैं, तो मेरे को ये लगता है कि इसके बाद जब आप पैशनेट हैं तो आपको ना फिटनेस इंडस्ट्री थोड़ा सा ज्वाइन कर लेना चाहिए एज अ करियर। जैसे आपने बहुत सारे फिल्म स्टार भी देखे होंगे, मूवी इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले वो अपने पेरेंट्स में के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं या मूवी में कुछ और रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो आपको भी, मेरे को ऐसा सजेशन है कि आप लोगों को भी ये फिटनेस इंडस्ट्री एज अ ट्रेनर या एज अ मैनेजर ज्वाइन करना चाहिए पहले, जस्ट टू एक्सपीरियंस द मार्केट। तो आप जब मार्केट को अंडरस्टैंड करेंगे ऑन अ डिफरेंट लेवल तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में जो दोनों पोजीशंस हैं वो कैसे डिफरेंट है। तो आपको टेबल के दूसरी साइड पे आना है और आपको एज अ जिम के मैनेजमेंट की तरफ से पर्सपेक्टिव देखना है कि आपने स्टडी किया कि मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल जब आप कस्टमर हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि एक सर्टन डिलीवरेबल्स होने चाहिए, कुछ एक जिम ओनर्स को कुछ डिलीवर करना चाहिए, और आप जब कस्टमर की साइड से इसको देख रहे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है। और आपने जब ज्वाइन कर लिया है कोई जिम और आप उस जिम में एज अ मैनेजर या एज अ ट्रेनर काम कर रहे हो और अब आप जिम के ओनर या जिम के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ पर्सपेक्टिव को देखते हो कि कहाँ से आपको बैलेंस क्रिएट करना है जहाँ पे कस्टमर भी खुश रहे और जिम का मैनेजमेंट भी सेटिस्फाई रहे, और ये बैलेंस आपको ये समझाएगा कि मार्केट में आप जब एंटर करेंगे तो आपको किस तरीके से दोनों चीजों को देखना पड़ेगा और दोनों चीजों में दोनों साइड्स को ही एक सेटिस्फेक्शन लेवल देना पड़ेगा। अब बेसिकली वो 1 या 2 साल जो हम जनरल ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर या जिम मैनेजर के रोल पे काम करते हैं, उसे हमें एक पर्सपेक्टिव भी मिलता है कि इस इंडस्ट्री में क्या लगता है कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो जब आपने एज अ मार्केट में ज्वाइन करके मार्केट को एक्सपीरियंस कर लिया है, उसमें थोड़ा स्टडी कर लिया है कि कस्टमर के एक्सपेक्टेशन क्या है, आपके डिलीवरेबल्स कितने होने चाहिए और आप उसे बैलेंस कैसे कर रहे हो, तो अब आपको ये देखना है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। तो रिस्क एपेटाइट से हमारा ये मतलब है कि आप कितना बड़ा जिम खोलना चाहते हैं, कितना आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप इसको किस रेशियो में रखना चाहते हैं। तो हमने जो पहले भी वीडियोज भी डाले हुए हैं उसमें हमने 3 टाइप के जिम मॉडल्स को एक्सप्लेन किया है, जिसमें कि कोई आपका टाइम ले रहा है, कोई आपका इन्वेस्टमेंट ले रहा है और कोई आपका बिजनेस मॉडल बन रहा है। तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी अलग अलग है और इन्वेस्टमेंट साइज भी अलग अलग है। तो आपको फिर वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आपको किस वाले मॉडल को चूज करना है और आपको अपना टाइम ज्यादा देना है या इन्वेस्टमेंट ज्यादा देना है। इसको हम अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे कि आपका जो जिम प्रॉफिटेबिलिटी है वो किस किस मॉडल में कैसा रहता है। तो आपने देखा कि आपको रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही अपना जिम मॉडल चूज करना चाहिए। तो डिफरेंट जिम मॉडल में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है। तो अब आपका जो नेक्स्ट सवाल आ जाता है वो ये आ जाता है कि आप जो वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो कैसे रेस करेंगे। तो इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं, या तो आप अपना पुराना इन्वेस्टमेंट, जो आपका जो पुराना इन्वेस्टमेंट है उसको आप वो करेंगे, इस बिजनेस में लाएंगे, या फिर आप कोई लोन लेंगे या सोर्सिंग आपकी कहीं थर्ड पार्टी से होगी, या फिर आप किसी और बंदे को, किसी को पार्टनर या इक्विटी देंगे। तो ये डिफरेंट मेथड जो है ये आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आपका जो रिस्क है और जो फंड रेजिंग है वो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा कि आपको जो फंड्स जो रेज होगा उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, मतलब आपको कितने खर्चे में वो पैसा आ रहा है, और उस खर्चे को आपको लोन के तरीके से लेना है इन्वेस्टमेंट को, या फिर आपने उसमें इक्विटी देना है, पार्टनरशिप देना है।
ये रिलेशनशिप एक्चुअली काफी लोगों को काफी कंफ्यूजिंग लगता है कि बेसिकली रिस्क और हमारे फंड रेजिंग कैपेबिलिटी में क्या रिलेशनशिप होती है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत स्ट्रांगली टाइड होते हैं। ऑब्वियसली जितना ज्यादा आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, उतना ज्यादा आप कन्वेंशनल मीन्स के लिए भी तैयार हो सकते हो। जैसे आप लोन लेकर मतलब इवन बिग ईएमआई पे करने के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आती है कि आगे जाकर आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। फिर वही बात आ जाती है कि जब हम प्रॉफिटेबिलिटी डिस्कस करते हैं, ये फंड रेजिंग का मेथड उस प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करेगा। तो ये आगे इसको आगे भी सोचना भी जरूरी होता है। ये मैंने काफी लोगों के साथ ये मिस्टेक दिया कि वो अपने पहले जिम खोलने के लिए बहुत बड़े लोन लेते हैं और फिर काफी सालों तक लोन पे बैक करने की वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी मंथ ऑन मंथ काफी खराब हो जाती है। तो अल्टीमेटली जो उन्होंने सोचा था वो रिस्क को वो सह नहीं पाए। तो आज का जो मेन टॉपिक है जिम प्रॉफिटेबिलिटी, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे कि हमने अपने कुछ वीडियोस में भी आपको बताया है कि जिम के डिफरेंट मॉडल्स हम सजेस्ट करते हैं, और तीनों मॉडल्स में जो इन्वेस्टमेंट साइज है वो अलग है, और डिफरेंट मॉडल्स को चलाने का जो ऑपरेशन है वो भी अलग है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी ऑब्वियसली थोड़ा सा तीनों मॉडल में अलग अलग है। तो जैसे कि पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो, जो हमारा फर्स्ट मॉडल हम सजेस्ट करते हैं, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी हमने एक अपने वीडियो में दिखाया है कि लगभग लगभग आपका महीने का 2 से 2.5 लाख रुपए तक आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके जो जिम के स्लॉट्स हैं वो आपके पर्सनल ट्रेनिंग में अलग अलग टाइम पे जा रहे हैं, और आप अपने नीचे लगभग 3 से 4 जूनियर ट्रेनर्स रख के उनके भी स्लॉट सेल कर रहे हैं। तो इस मॉडल में आप जो अपना जो पर्सनल ट्रेनिंग स्लॉट्स हैं उसको थोड़ा सा प्रीमियम पे सेल कर रहे हैं, और जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ रही है और आपके क्लाइंट्स भी बढ़ रहे हैं, तो आप अपने जूनियर ट्रेनर्स हायर करके उन्हें ट्रेन करके उन्हें भी उनके ट्रेनिंग स्लॉट्स भी आप सेल कर रहे हैं। और इसमें ये एक ऑपरेशंस में मेन चीज है कि आपने जिन कस्टमर्स को टाइमलाइन दिए, जैसे आप हाँ क्लिनिक्स में जाते हैं डॉक्टर एक टाइम स्लॉट देते हैं, वैसे ही कस्टमर्स को आप टाइम स्लॉट पे बुला पा रहे हैं, और कस्टमर अपने डिसिप्लिन से उन्हीं टाइम स्लॉट्स पे आ रहे हैं। इसके बारे में बस दो तीन क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला बात तो यही आ जाता है कि आपने बोल दिया कि मतलब 2 2.5 लाख का हम प्रॉफिटेबिलिटी कमा सकते हैं इस मॉडल में, लेकिन फिर इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कि ये कितना जाता है और इन्वेस्टमेंट को हम कम क्यों करते हैं इसमें? इसमें तो इस मॉडल में क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, तो हमारी डिपेंडेंसी हमारी एक्सपर्टीज पे है। तो हम इस मॉडल में ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप अपने फिटनेस लाइन में एक एक्सपर्ट आदमी हैं, आपकी मार्केट में डिमांड है, आप किसी भी जिम में जहाँ काम करते थे वहां आप अच्छे तरीके से पर्सनल ट्रेनिंग दे पा रहे थे, और आप जिस लेवल पे कॉम्पीट करते हैं उस लेवल पे आप अपने स्टेट या नेशनल लेवल पे चैंपियन हैं, और आप जो पीटी सेल करेंगे, मेजर पैसा जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी है वो पीटी सेलिंग से है। तो बेसिकली ये कंसल्टेंट टाइप का बिजनेस है, और आपको एक एरिया चाहिए वहां पे सर्विस देने के लिए, तो आपने एक स्टूडियो बनाया है जिसमें आप एक बारी में 4 से 5 कस्टमर्स, मैक्सिमम 4 कस्टमर्स को हैंडल कर रहे हैं। तो उसका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो का, वो आपने मिनिमम रखा है, और आपने अपने लिए एक बिजनेस मॉडल क्रिएट किया है जहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस कर रहे हो, जहाँ पे आप अपनी एक्सपर्टीज सेल कर रहे हो। आप इसको एक प्रोफेशन बोल सकते हैं, जैसे कि आप आर्किटेक्ट्स देखते हैं, लॉयर्स देखते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देखते हैं, उसी तरीके से आप एक पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो भी चला सकते हैं। तो पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो में हाँ पूछिए। एक तरीके से बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट की जगह हम एक्सपर्टीज से मेकअप कर रहे हैं बेसिकली। यस, तो इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी 10 से 12 लाख रुपए रहती है, और आपके जो मेजर जो आपका इनकम आ रही है वो 50% तक हमने अपने एक वीडियो में दिखाया है जिम ये प्रॉफिटेबिलिटी में, कि आपका जो 50% इनकम आ रहा है वो आपका अपने ऑपरेशन एक्सपेंस निकाल के अपने पर्सनल ट्रेनिंग बेचने से आ रहा है, और कुछ जो आपको आपके जूनियर ट्रेनर्स हैं वो आपको कुछ पर्सनल ट्रेनिंग रेवेन्यू में जो उनका कमीशन है वो निकाल के आपको कमा के दे रहे हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह आ जाता है कि जो मेरा दूसरा क्वेश्चन था जो है सेशन का कॉस्ट, तो ये भी मैंने देखा है कि काफी बार पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियोज में एक मिनिमम कॉस्ट होता है जिससे नीचे चार्ज करने पे आपका स्टूडियो सक्सेसफुल नहीं होगा। और एक तरीके से अगर एज ए ट्रेनर यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि आप ये रेट चार्ज कर सकते हो, तो फिर ये मॉडल आपके लिए है नहीं। तो ये रेट कितना होगा, मतलब किस रेट पे हमको डिसाइड करना चाहिए कि ठीक है अगर मैं इतना पैसा ले पा रहा हूँ क्लाइंट से तो शायद मुझे ज्यादा प्रॉफिटेबल ये रहेगा कि मैं जिम को पैसा ना देकर अपना जिम खोलूं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और ट्रिकी भी है। अब आप एक चीज देखिए, जैसे आप टीयर 1 टीयर 2 सिटीज ले रहे हैं, और इसको आप देखिए टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज में, तो अगर आप
टीयर वन टीयर टू सिटीज देखेंगे तो जिम का जो एक सेशन है वो लगभग 300 से 500 रुपए के बीच में रहता है, अगर आप, हम फिर उसी असम्पशन में, अगर आप एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड में, तो 300 से 500 रुपए में 12 सेशन आप एक कस्टमर को ऑल्टरनेट डेज दे रहे हैं, तो लगभग आपकी जो पर्सनल ट्रेनिंग है एक महीने की वो 3600 रुपए से 4800 या 6000 रुपए है, और उसको हम एवरेज करके 400 रुपए ले लेते हैं, तो 12 सेशन आप महीने के 4800 रुपीज ले रहे हैं, तो लगभग लगभग 4800 रुपीज के आपने महीने में, अगर आप 10 घंटे दिन में काम कर रहे हैं, तो आपने ऑल्टरनेट डेज मंडे वेनेसडे फ्राइडे एक कस्टमर को टाइम दिया हुआ है, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे एक और कस्टमर को, और आपने 10 घंटे अगर दिन में काम करना है तो आप टोटल 20 कस्टमर्स दे सकते हैं, तो 20 कस्टमर्स आपको अगर 4800 रुपीज दे रहे हैं तो आपके 96,000 रुपीज आपकी अपना रेवेन्यू होता है, और हमने इसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि अगर आपका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसमें जो रेंट का कॉम्पोजिशन है वो आपकी सिटी के हिसाब से डिपेंड करेगा, तो आपका प्राइस भी, जो सेल्स है, जो पीटी का चार्जेस है, वो भी सिटी के हिसाब से महंगा है, तो अगर आप टीयर 3 टीयर 4 सिटी में है और आपके चार्जेस कम है तो आपका रेंट भी कम होगा, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, मतलब एक ही साइड पे चलेंगे, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आप पीटी 300 रुपए में बेच पा रहे हैं या 500 में, क्योंकि अगर आप 500 में बेचेंगे तो रेंट भी ज्यादा दे रहे होंगे, और अगर 300 में बेचेंगे तो आप रेंट भी कम दे रहे होंगे, तो आपका जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट मेंटेन रहेगा, तो 96,000 में अगर आपका जो एरिया है वो आपका लगभग 1,000-1,200 स्क्वायर फीट है, और 30 से 50 रुपए का आपका रेंटल है, तो आपका जो पीटी का स्टूडियो का रेंट है वो भी आपका 30-40 हजार रुपए है, तो 30-40 हजार में आपने 96,000 रुपीज अगर अपना ही रेवेन्यू कमा लिया तो आपने अपना सैलरी वहीं से निकाल लिया, तो और आपने जो 4 ट्रेनर रखे हैं जूनियर ट्रेनर, आप मेजरली उनको बेसिकली वो कर रहे हैं, कोच कर रहे हैं, और आप उनको भी तैयार कर रहे हैं, तो आपने पर्सनल ट्रेनिंग उनको करनी सिखाई है और आप उनको यूज कर रहे हैं इस टाइम पे फ्लरिश करने के लिए इंडस्ट्री में, तो वो लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं और उसमें आप उनको 50-50% कमीशन दे रहे हैं, तो 50% कमीशन में अगर उनकी पीटी आपसे सस्ती भी है तो आपका कोई फिक्स एक्सपेंस नहीं है, हाँ तो आप उनको 50% कट देने के बाद उनका जो 50% रेवेन्यू है वो आपका नेट प्रॉफिट है, तो ऐसे करके हम इसमें प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, इसलिए इस मॉडल में प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ये मैंने भी देखा है कि कुछ अभी तो इंडिया में ऑब्वियसली पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो का अभी तक इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी हुआ नहीं है, लेकिन दूसरे देशों में इनफैक्ट ये जो जूनियर ट्रेनर्स की कट है ये काफी वेरी करता है। इंडिया में तो 50-50% का नॉर्मल मतलब ये नॉर्मल रेट हो चुका है, लेकिन जो काफी सारे जो बड़े पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियोज हैं, जैसे मैंने न्यूयॉर्क स्टेट में 2-3 के बारे में सुना है, जहां पर वो 20% कट सिर्फ लेते हैं ट्रेनर से, लेकिन फिर वो एक टाइम पे ऑलमोस्ट 20-25% ट्रेनर्स जिम में चलाते हैं और सबको अपना एक वर्कस्टेशन मिलता है। तो इस प्रकार का मॉडल भी इंटरेस्टिंग आइडिया है। अभी ऑब्वियसली शायद इंडिया का मार्केट इस टाइप के मॉडल के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा कोवर्किंग स्पेस की तरफ चला जाता है, लेकिन ये भी एक आइडिया हो सकता है जो अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो शायद, और उस प्रकार का मार्केट भी हो उस एरिया में, तो शायद वो सोच सकते हैं। तो हमने जो सेकंड स्लाइड में डिस्कस किया कस्टमर एक्सपेक्टेशन, तो हाँ बेसिकली अब आप एक ही समझिए कि जब आप कस्टमर हैं, तो मैं भी पहले जिम में कस्टमर था शुरू शुरू में, तो पैशनेट था इसीलिए इंडस्ट्री ज्वाइन किया है, तो जब आप कस्टमर हैं तो कस्टमर्स का अगर आप अभी जिम का एक ट्रेंड लाइन देखेंगे तो ट्रेंड में ये चल रहा है कि जिम में पर्सनल ट्रेनिंग चलती है, बट कस्टमर और जिम ओनर्स दोनों ही कंफ्यूज हैं कि हमें जनरल ट्रेनिंग में क्या देना है और पर्सनल ट्रेनिंग में क्या देना है, ये भी हमने एक अपने वीडियो में वो किया है एक्सप्लेन कि जनरल ट्रेनिंग वर्सेस पर्सनल ट्रेनिंग, तो ऐसा नहीं है कि पर्सनल ट्रेनिंग की मार्केट नहीं है, बट क्योंकि मार्केट अभी डिसाइडेड नहीं है और अभी सेगमेंट नहीं हुआ मार्केट में कि जनरल ट्रेनिंग कहाँ लेनी चाहिए या पर्सनल ट्रेनिंग कहाँ लेनी चाहिए, तो मोस्टली हमने देखा है जिम में जो कंफ्यूजन चलता है वो ये चलता है क्लाइंट के दिमाग में भी और जिम ओनर्स के और जिम मैनेजमेंट के दिमाग में भी, कि किस क्लाइंट को जनरल ट्रेनिंग देनी चाहिए और किस क्लाइंट को पर्सनल ट्रेनिंग देनी चाहिए, और जनरल ट्रेनिंग में क्या डिलीवरेबल्स हैं और पर्सनल ट्रेनिंग में क्या डिलीवरेबल्स हैं, तो हमारा ये जो पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो का मॉडल है ये इसलिए फिट हो रहा है क्योंकि मार्केट में जब आपने क्लियरली ये बोल दिया कि हम पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हैं फिर हम जिम की हाँ फीस नहीं ले रहे, तो और एक्चुअली जब जिम की डिमार्केट कर फीस रहे है हो। तो लोग, हाँ तो जिम की फीस में लोग ये एज्यूम करते हैं कि पर्सनल ट्रेनिंग इंक्लूडेड है, हाँ लेकिन मुझे उसके बावजूद भी कई लोग जिम में पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं, हाँ तो हम उस जो पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं उस वाली सेगमेंट को अलग से ही बिना मेंबरशिप फीस के पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो में पर्सनल ट्रेनिंग ही देना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं पर्सनल ट्रेनिंग में उसकी जिम की फीस इंक्लूडेड है, हाँ तो उसको फिर जो जिम के 1500 या 2000 या 1000 रुपए महीने की फीस है वो हमारी ये 3600 या 4800 रुपए 4800 रुपीज में इंक्लूडेड है,
हाँ तो क्लाइंट को अगर आप ये चीज बताओगे कि अब आप आ रहे हो तो आप पर्सनल ट्रेनिंग के लिए आ रहे हो जिसमें आपको जिम की कोई फीस नहीं देनी, तो मुझे लगता है कि क्लाइंट को ये समझ में आएगा कि मेरे को ट्रेनर के पास जाना है, मेरे को फैसिलिटी ट्रेनर देगा और मेरे को रिजल्ट चाहिए, मेरे को जिम के एनवायरनमेंट या लोगों से नहीं मिलना, तो मैं नेटवर्किंग करने नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल रिजल्ट के लिए और एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। तो चलो, आप वो क्लाइंट अपना जिम में से 10% क्लाइंट अलग कर सकते हैं, आपको तो 20 ही कस्टमर चाहिए, हाँ जिम में 200 कस्टमर्स होते हैं, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो जो 10% कस्टमर है जो केवल ट्रेनिंग के लिए जिम आते हैं वो आपने अलग कर लिए, और जो जिम नेटवर्किंग के लिए आते हैं या एनवायरमेंट के लिए आते हैं कस्टमर आ वो रहे अभी हैं। जिम में ही है, तो 180 हाँ कस्टमर जिम में ही है, फेयर तो इस नाउ। अजम्पशन पे हम ये काम करना चाहते दूसरे जिम मॉडल्स में फिर प्रॉफिटेबिलिटी का क्या सीन होता है, मतलब तो उसमें फिर कैसे नंबर से फिट करेंगे? हैं। हाँ, तो अब देखिए, अब आप अपने लेवल पे फिटनेस एक्सपर्ट हैं और आप पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो चला सकते हैं, आप जूनियर ट्रेनर्स रख के उसमें कमीशन रख सकते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी तो पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो में है। बट ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़े बिजनेस माइंडेड आदमी है, फाइनेंस के आदमी है, ऑपरेशंस के आदमी है, और आप अपने 10 घंटे जिम में नहीं देना चाहते, फेयर तो इनफ। उन लोगों के लिए बजट जिम से हम ने सोचा है कि हम उनको दें एक्सप्लोर करने का मौका। तो बजट जिम जो होता है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 से 30 लाख रुपए की होती है, और ये एक इंडिपेंडेंट बिजनेस मॉडल है। अब इसमें और आपका जो पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो है उसमें ये डिफरेंस है कि इसमें आपको अपने टाइम देने की जरूरत नहीं है, अगर आप टाइम देंगे तो आपकी ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, बट अगर हम अज्यूम करें कि आप टाइम नहीं दे रहे तो भी इसमें एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है, जो कि हम ये सजेस्ट करते हैं कि लगभग लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए महीना इसमें भी है विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 25 से 30 लाख रुपए। तो अगर आप देखें 2-2.5 लाख रुपए महीना आपकी इनकम 25 से 30 लाख में, जो कि 8 से 10% रिटर्न है, जो कि अच्छा है मार्केट में आज के सिनेरियो को देखते हुए, बुरा नहीं है, और आप इसमें स्केल भी कर सकते हो, आप इसमें 2 या 3 जिम्स भी खोल सकते हैं अगर आपके ऑपरेशन और मैनेजमेंट स्ट्रांग है। फेयर इनफ। तो मेरे मन में दो क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन जो ये आता है वो है कि अगर बच्चे जिम को हम सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं और पर जिम हमारा प्रॉफिटेबिलिटी पीटी स्टूडियो जितना हाई नहीं है, तो क्या मल्टीपल जिम्स खोलना जरूरी है बच्चे जिम के साथ? देखिए बजट जिम, फिर वो हमने एक और वीडियो बनाया डेप्रिसिएशन किल्स, तो हाँ बजट जिम, ये जो फिटनेस का बिजनेस है ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि कैश रिच बिजनेस है, तो अगर आप इसको ट्रेडिशनल बिजनेसेस से लगाएंगे तो आप जितना सामान बेचते हैं उतना पैसा आपको मिलता है, ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें अगर आप बजट जिम में एनुअल मेंबरशिप बेच पा रहे हैं तो बेसिकली आपने 12 महीने के पैसे एडवांस में ले लिए, बट ये आपका पैसा आपका उस महीने की इनकम नहीं है, ये आपका टोटल 12 साल की महीने इनकम की है। इनकम है। तो अगर आप इसको अक्रू करेंगे तो अगर हर हर महीने में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको उसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, पहली चीज। और दूसरा, ये बिजनेस में हाई डेप्रिसिएशन है क्योंकि आपका जो इक्विपमेंट में 17-18 लाख रुपए लग रहा है या 20 लाख रुपए लग रहा है, तो वो इक्विपमेंट डेप्रिशिएट होता है हर साल, उसकी वैल्यू कम होती है, तो बेसिकली वो जो आपका पैसा है वो आपको कैश में तो दिखता है, मेंबरशिप फीस जब बेचने के बाद आप पैसा कमाते हैं तो कैश में तो दिखता है, बट वो आपका कहीं ना कहीं इक्विपमेंट जो आपका डिमिनिश हो रहा है, जो उसकी डेप्रिसिएशन की वजह से वैल्यू डाउन हो रही है, वो कहीं ना कहीं उसको कॉम्पनसेट भी कर रहा है, तो उसके लिए आपको एक एमोर्टाइजेशन फंड, मतलब एक अलग से एक फंड बनाना चाहिए जिससे कि आप जिम को रिन्यू करें 4 से 5 चौथे से 5वें साल में। अब इसका एक ऑल्टरनेट ये भी है कि आप 4 से 5 साल तक तो उस पैसे को जब बैंक में रखेंगे FD करके या जो भी करके, तो आपको एक 4 से 5% का या 5 से 6% का एक FD का इंटरेस्ट रेट आता है, जो कि बहुत ही कम है, जो इन्फ्लेशन से भी कम है, तो इसको कैसे बीट करें? तो इसको आप ऐसे बीट कर सकते हैं कि आपने जो 12 महीने का एडवांस पेमेंट दिया है या 6 महीने का या 3 महीने का, और आपने जो एक डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है जो कैश में कमाया है जो आपको री इन्वेस्ट करना है जिम में, वो आपने अपना पहले जिम में ना करके उससे आप अपना दूसरा जिम खोल सकते हैं, तो उससे हाँ क्या फायदा होगा कि आपका जो 10% का रिटर्न है वो आपका जो 5% का FD का रिटर्न है उसे बीट कर देगा, और आपका जो रिटर्न है वो फास्ट हो जाएगा। बट इसमें बस एक ही चैलेंज है कि आपको ये देखना है कि आप वो दोनों जिम्स या तीनों जिम्स अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं। तो हमने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि 2 से 3 जिम्स तक लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं क्योंकि वो अपना टाइम इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, बट चौथे से ज्यादा जिम्स करने में हमें भी प्रॉब्लम आई थी, और आपको फिर एक इंडिपेंडेंट कोर टीम्स बनानी पड़ती है जो कि आपका ऑडिट देख रही है, ऑपरेशंस देख रही है, और वो किसी भी जिम के स्टाफ से पर्सनली एसोसिएटेड नहीं है, तो ये सेंट्रल टीम्स आपकी मिस्ट्री शॉपिंग करती है, मतलब आपके जिम्स में जाके फेक इंक्वायरी बन के चेक करती है सारे सिस्टम प्रोसेसेस अपने अलाइंड हैं,
और आपके कैमरास पे चेकिंग होती है, आपके जिम के जो कैश है उसका आपका ऑडिट होता है, आपके जिम के जो मेंबरशिप्स हैं वो अंदर जाके मेंबर्स के उनसे एडवाइस, मतलब मेंबर्स को चेक किया जाता है कि उनकी रिसिप्ट कटी है कि नहीं, उनका कैश प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर है कि नहीं। तो ये आपकी एक कोर टीम बन जाती है जो कि आपके सारे जिम्स को सेंट्रली मैनेज करती है। तो ये एक प्रॉब्लम तो हो ही जाता है कि जैसे जिम का साइज हम बढ़ाते रहते हैं और ज्यादा जिम्स हम खोलते रहते हैं, उसमें हमारे एक एडिशनल एक्सपेंस ये भी आ जाता है कोर टीम मैनेज करने का, और ऑब्वियसली उसके ऑपरेशंस भी अपने मतलब उसके ऑपरेशन के एक्सपेंसेस भी हमारे ऐड हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली एक कट ऑफ पॉइंट तो होगा जहां पर अपने खुद के जिम्स ओन करके एक्सपेंड करना शायद प्रॉफिटेबल ना हो अभी। तो आपके हिसाब से फिर उस टाइम पे क्या करना चाहिए, फ्रेंचाइजीज में जाना चाहिए या बस उधर जिम्स को बंद करना स्टार्ट कर देना चाहिए? इसमें भी हम और भी वीडियोस बनाएंगे। इसमें हमने बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट निकाला है बहुत सालों के, 17-18 साल के अपने एक्सपीरियंस के बाद, कि कई लोग हमने देखे हैं जो कि जिम्स में डिफरेंट पार्टनर्स रखते हैं। तो फॉर एग्जांपल वो पहला जिम खुद खोलते हैं, दूसरे जिम में एक पार्टनर होता है मिस्टर ए, और तीसरे जिम में मिस्टर बी और मिस्टर सी, ऐसे करके उनके पार्टनर्स अलग अलग होते हैं हर एक जिम में, और वो ज्यादा जिम्स खोल पाते हैं। बट ये भी एक लेवल तक चलता है, क्योंकि एक अच्छा पार्टनर ढूंढना और उसको बार बार रिपीट करना, मतलब अलग अलग पार्टनर अच्छे अच्छे हो, ये मुश्किल होता है। तो हमने एक इसके लिए एक मॉडल बनाया है जिसको हम अपने आने वाले वीडियोस में रिलीज करेंगे, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि आप अपने जिम को 4 से 5 साल चलाइए और आप उसको सेल कर दीजिए किसी मेंबर को या मार्केट में, और आप उसको, मतलब उसको उस लेवल पे सेल कीजिए जहां पे वो मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है आपको। सेकेंड टू थर्ड ईयर मैक्सिमम प्रॉफिट देते हैं जिम, तो आप सेकेंड टू थर्ड ईयर का मैक्सिमम प्रॉफिट लेते ही आउट हो जाए उस बिजनेस से, और आप एक नया जिम खोले एक नई मार्केट में, जो कि आपको फिर से एक लाइफ साइकिल में, जिम के प्रॉफिट साइकिल में आपको एकदम पीक पे ले जाए। तो आप जिम के बिजनेस को इमोशनली ना लेके आप उस बिजनेस को आप बाय लो, मतलब नीचे आप बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, उसे ग्रो कीजिए, मैक्सिमम आउटपुट लेके उसका प्रॉफिट लेके उसे एग्जिट कीजिए और फिर से री एंटर कीजिए। तो इससे आपका जिम का जो साइकिल है प्रॉफिटेबल भी चलता रहेगा, और आपके जो जिम का, जो इसने भी जिम आपसे परचेज किया है, वो आपको रॉयल्टी भी दे सकता है और आपका ब्रांड भी ऐसे एक्सपैंड हो सकता ये इनफैक्ट जिम के टाइमलाइन में एक क्वेश्चन आ जाता है कि फिर जिम का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कब होती है, वो शायद हम अभी 2 मिनट पे डिस्कस करते हैं। पहले लग्जरी जिम के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। है। तो तीसरा जो हमारा मॉडल है लग्जरी या प्रीमियम जिम का, ये मॉडल एकदम डिफरेंट है फर्स्ट टू मॉडल से, क्योंकि इसमें दोनों मॉडल्स के रिस्क भी हैं और दोनों मॉडल्स के रिवॉर्ड भी हैं। तो ये सबसे ज्यादा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मॉडल है। इस मॉडल में आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा, बट अगर आपका रिसर्च अच्छा है, आपके ऑपरेशंस अच्छे हैं और आपका जिम का मैनेजमेंट बढ़िया है, तो आप इसमें रिवॉर्ड दोनों के मिला के उससे ज्यादा रिवॉर्ड इसमें कमा सकते हैं। वो ऐसे कि आपको अगर हाई वॉल्यूम में हाई प्रीमियम मिल जाए, मतलब आपके पास कस्टमर बेस भी ज्यादा है और आपके पास जो पर कस्टमर रेवेन्यू है वो भी ज्यादा है, तो आप महंगा भी बेच पा रहे हैं और ज्यादा तादाद में भी बेच पा रहे हैं, तो आपको दोनों का फायदा एक जगह पे हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपने एक ऐसी जगह ढूंढ ली है जहां पे आपको लोकेशन वाइज, एक्सेसिबिलिटी वाइज, मतलब उसकी एंट्रेंस और उसकी विजिबिलिटी सब कुछ बढ़िया मिल गई है, और आपको उसके रेंट और बाकी चीजें जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो भी कंट्रोल में है, तो आप एक प्रीमियम जिम खोलने का भी ट्राई कर सकते हैं। प्रीमियम जिम का इन्वेस्टमेंट लगभग लगभग आप माने तो 60-70 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है, और इसका जो एरिया है वो 3,000 स्क्वायर फीट मिनिमम चाहिए, और हम तो ये कहेंगे कि 4,000 स्क्वायर फीट से लगभग 6,000 स्क्वायर फीट में अगर आप इसे खोलेंगे और आपका इन्वेस्टमेंट 60-70 लाख से स्टार्ट हो जाएगा, और आपका अगर मार्केट इसको एक्सेप्ट करता है तो आपको प्रीमियम मिलने के चांसेस भी ज्यादा है, और आप हाई वॉल्यूम में कर सकते हैं इसको, तो आपको इसमें अच्छा रिटर्न एक ही जगह पे ज्यादा मिलने के चांस। इस मॉडल में काफी हद तक हमारे रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर हमारा लोकेशन ही हो जाता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने देखा दिल्ली में सिर्फ कुछ एरियाज में लग्जरी जिम्स काम कर पाते हैं, और ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो यही हो जाता है कि जिम का एक्सेसिबिलिटी और लोकेशन। तो कोई भी मतलब 3 या 4 किलोमीटर से ज्यादा ड्राइव नहीं करना चाहता जिम जाने के लिए, तो आपको ऐसा एक एरिया ढूंढना पड़ेगा जहां पर वो साइज भी है, वो एक्सेसिबिलिटी भी है, विजिबिलिटी भी है, और वो टाइप के क्लाइंटे भी पास में रहते हैं। तो कुछ सिटीज में थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है, जैसे बॉम्बे टाइप के सिटी में थोड़ा आसान होता है क्योंकि वहां पर क्राउड्स भी ज्यादा कंजेस्टेड है, पॉपुलेशन भी ज्यादा डेंस है, तो वहां पर लग्जरी जिम सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बट लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ टाइम के लिए हम लग्जरी जिम टियर 2 टियर 3 सिटीज में खोल सकते हैं क्या? हाँ, तो हमने
एक वीडियो बनाया 5 पॉइंट सक्सेस रूल, उसमें हमने जो 5 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो उसमें आपको पता चलेगा, अगर वो 5 पॉइंट्स आपके जो हैं वो अगर फुलफिल हो रहे हैं और आपको लगता है कि आपने जिम इंडस्ट्री में एक अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया है, तो मुझे लगता है कि लग्जरी जिम के लिए आपको जाना चाहिए। और अगर आपको ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आप इसको एनकैश कर लो और ये आपका दाव सही पड़े, तो मुझे लगता है कि फिर आपको और ज्यादा जिम खोलने की जरूरत नहीं है, वो एक ही जिम आपको पूरा एक अच्छे लेवल पे आपको पहुंचा देगा और उसके बाद आपको अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे हमने अभी बात की थी, कोई भी जिम खोलने का और कोई भी जिम बंद करने का एक परफेक्ट टाइम होता है, और एक सर्टेन टाइम जैसे आपने बोला 2 से 3 साल के बीच में जिम की प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो उस टाइम पे ऑब्वियसली उस टाइम खत्म करने के बाद, प्रॉफिट निकालने के बाद, उस टाइम जिम छोड़ने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि फिर हम उस कैश के साथ नया जिम भी खोल सकते हैं। तो ऑब्वियसली कोई एक पैटर्न है जिम्स का जो वो अपने लाइफ साइकिल में फॉलो करते हैं, तो आप थोड़ा इसको समझा सकते हो कि जिम का लाइफ साइकिल क्या होता है? तो जिम में जो एंट्री और एग्जिट का टाइम है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट टाइम है, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कई जिम हमने देखे हैं जो कि बहुत टाइम से ही चल रहे होते हैं, उन्हें लगभग 10 साल, 15 साल, 20 साल हो चुके हैं और वो जिम बहुत अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि वो अपना पैसा कमा चुके हैं तो ब्रेक इवन कर चुके हैं, तो वो लोगों को आगे मूव ऑन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप जिम के बिजनेस को कंफर्टेबली ना करें, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आए, और आप जब जिम में एंटर करें तो उसको पहले दूसरे तीसरे साल में मैक्सिमम प्रॉफिट कमा के ब्रेक इवन करने का कोशिश करें, और जैसे ही आपका ब्रेक इवन हो जाए आप उसको जो भी आपकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू है उस पर एग्जिट करके आप री एंटर करें, इससे आपको ज्यादा फायदा होगा और आपको नई मार्केट एक्सप्लोर करने में भी थोड़ा एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी और आपका जो प्रॉफिट है वो एक्चुअली हमेशा ऊपर रहेगा। तो इसमें जो आप पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो का बात करें अगर, तो पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपना एक नाम बनाएं, अपना एक जूनियर ट्रेनर्स बनाएं, और जैसे ही आपको लगता है कि पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो में आपका आपका ब्रांड एक एस्टेब्लिश हो रहा है, तो आप अपने जूनियर ट्रेनर्स को ही वो हैंड ओवर करके और उनसे एक रॉयल्टी सेट करके आप दूसरा पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो किसी और एरिया में खोल सकते हैं। उससे आपका पीछे का क्लाइंट रिटेन होगा और आगे नए क्लाइंट्स भी बनेंगे। और अगर आप इसको बजट जिम में बात करें तो बजट जिम में हमने आपको समझाया कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट और जो आप एडवांस सेल कर रहे हैं उस अमाउंट को आप री इन्वेस्ट कीजिए एक नई ब्रांच में। तो जैसे ही आप नई ब्रांच खोलते हैं तो आपको दो जगह अपना टाइम देना पड़ेगा, और आपका जो पिछला जिम का अगर साइकिल खत्म हो रहा है तो 3 साल, अगर 4 साल हो रहे हैं, तो आप उस जिम से पैसा निकाल के थोड़ा सा पैसा डाल के सेकेंड जिम का री इन्वेस्ट थर्ड जिम में कीजिए, तो ऐसे आप आगे मूव करते जाएंगे और पीछे का जो आपका ब्रांड है वो भी एस्टेब्लिश होता चला जाएगा। क्योंकि फिर ब्रांड का विजिबिलिटी भी बढ़ जाता है, क्योंकि उतने ज्यादा ब्रांचेस भी दिख रहे हैं लोग को, और वो फिर एक सेल्फ फुलफिलिंग साइकिल भी हो जाती है, उससे फिर प्रॉफिट कमाना भी आगे जाकर और आसान हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें कवर की है। सबसे पहले हम ये समझ चुके हैं कि जिम इंडस्ट्री ज्वाइन करने में हमको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, हमें पहले ये समझना चाहिए कि क्या हम लॉन्ग टर्म इस इंडस्ट्री में रहना चाहते हैं, और क्या हमारे में इतना रिस्क टेकिंग एपेटाइट है और इन्वेस्टमेंट जनरेट करने का एपेटाइट का एबिलिटी है कि हम प्रॉपरली एक प्रॉफिटेबल जिम मॉडल को खोल पाए। साथ में हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे स्पेसिफिक सर्कमस्टांस के लिए सबसे सूटेबल मॉडल कौन सा होगा जो हमें बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी देगा, और कब जिम से एग्जिट करनी चाहिए और ज्यादा ब्रांचेस खोलनी चाहिए। बेसिकली जिम का टाइमलाइन को यूज करके हम कैसे प्रॉफिटेबिलिटी को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो काफी सारे ये पॉइंट्स हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस आपके साथ ही कवर कर चुके हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 5 पॉइंट फॉर सक्सेस वीडियो में हम एक चेकलिस्ट दे चुके हैं जिम ओनर्स को, जिससे उनको समझ आए कि जिम्स को सक्सेसफुल कैसे बनाते हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स ये सारे वीडियोस को चेक करें, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी जिम इंडस्ट्री की। अगर आप चाहते हो कि हम कोई वीडियोस बनाएं आपके लिए, या कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियोस बनाएं जो जिम बिजनेस के साथ कनेक्टेड है या जिम्स ऑपरेशंस के साथ कनेक्टेड है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि हम सारे क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। साथ में हम अब से रेगुलरली स्टोरीज में ये अपलोड करेंगे कि आप कुछ टॉपिक सेलेक्ट करो जिसके बेसिस पे हम वीडियोस बना सकते हैं। इससे हम आपको वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो आप चाहते सीखना चाहते हो, और इससे आपको भी ज्यादा हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड पंकज सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर टुडे, एंड आई होप टू सी यू सून अगेन इन द फ्यूचर।